बार रिपीट करा रिकॉर्डिंग के लिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक इम्पैक्ट रख के प्रिंटिंग करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर और ब्लॉक के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंक लगी होती है जिसने इम्प्रिंट होना होता है। एक डिज़ाइन ऐसा होता है वो एक इंक से गीला होता है और एक पेपर के अगेंस्ट प्रेस होता है या एक सरफेस के अगेंस्ट प्रेस होता है तो अपना निशान छोड़ देता है, उससे हम इम्पैक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट के अंदर कोई प्रेशर अप्लाइड नहीं होता बल्कि स्प्रे होती है, डायरेक्टेड स्प्रे होती है या लेज़र होती है। इलेक्ट्रॉनिकली आप डायरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली गाइड करते हैं कि कहाँ पर स्प्रे करनी है या कहाँ पर लेजर से आप बताते हैं कि कहाँ सैम्पलीफाई करना है, तो वो सर्फेस पर जाके अपना एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन या इमेज ड्रॉ करती है, बनाती नहीं है, प्रेस नहीं करती बल्कि ड्रॉ करती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स पहले मैं आपको साथ साथ इसकी पिक्चर्स दिखाता जाता हूँ। अच्छा, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, अक्सर फार्मेसीज पे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये वाला प्रिंटर था, हम देख भी लेते हैं काम कैसे करता है। जो आवाज शेयर हो रही है, आप सबको आवाज शेयर भी सर? ये जी, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसका मोड ऑफ एक्शन है सब, अक्सर प्रिंटर ये पुरानी मेडिकल स्टोर से पड़ा होता है। इतना बहुत है, मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। जो ज़्यादा जाने वाली जो ज़रूरी चीज़ें वो ये हैं कि ये कितने मैक्सिमम टाइम में कितनी चीज़ प्रिंट कर लेता है और इसका यूनिट क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूनिट है CPS, करेक्टर्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने करेक्टर्स बना सकता है। ये अराउंड 350 से लेके 1100 करेक्टर्स बना सकता है। लेटेस्ट वाला जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो 1100 करेक्टर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 1100 करेक्टर्स, करेक्टर्स के अंदर ABC भी हो सकती है, न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, सिम्बल्स भी आ सकते हैं, वो मैक्सिमम 1100 करेक्टर्स बना सकता है और मिनिमम 350 करेक्टर्स बना सकता है। ये जानना ज़रूरी था, मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका जान लें। इसके अंदर ये जो हम देख रहे थे रिबन था जो घूम रहा था, ये जो रिबन है, बेसिकली इस रिबन के आगे पिन्स लगी होती हैं, हेड्स लगे होते हैं, डॉट्स लगे होते हैं, वो पेपर के ऊपर अपना निशान बनाते हैं। उस निशान के अंदर इंक भर दी जाती है और आपके पास एक करेक्टर फॉर्म हो जाता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के पेपर को टच करें तो इसके अंदर एक खुरदरापन सा होता है। हर डॉट मैट्रिक्स के पेपर के अंदर एक खुरदरा सा पन होता है क्योंकि इसके अंदर पिन्स के साथ प्रिंटिंग हो रही होती है, हेड्स के साथ। ये भी कंसीडर कि ये प्रिंट्स में पिन्स, इसके आगे पिन्स लगी होती। इसके बाद हम बात करते हैं डेजी व्हील की। डेजी व्हील आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा, बिल्कुल टाइपराइटर के मोड ऑफ एक्शन पे काम करता है। ये जी, ये है आपका ये जी आपका डेजी व्हील प्रिंटर है। इंटरनली क्या होता था कि इसके अंदर एक ऐसा एक पूरा एक पहिया सा लगा होता था, एक व्हील से लगा होता था जो कि ऑन टाइम्स एक करेक्टर को स्ट्राइक करता था। इस पहिए के अंदर पैटल्स या हैमर्स होती हैं। आप एक गौर से देखो, इसके ऊपर करेक्टर्स लिखे हुए हैं। आप लोगों को करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर लिखे हुए? कोई एक बच्चा बताए मुझे। बेटे शान, आपको करेक्टर्स नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं बेटे, करेक्टर्स लिखे होते थे जब भी इससे प्रिंट होना होता था। ये टाइपराइटर के अंदर आप बटन स्ट्राइक करते थे ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कमांड मिलती थी कि किस लाइन पे कौन सा अल्फाबेट लिखना है और एक खुद ही, लेकिन इसके ऊपर जो एक्शन था वो टाइपराइटर जैसा ही था, ठीक है। ये भी आप इसकी एक वीडियो देख लें कि कैसे काम करता था।
आप ये अगर इसको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ, अगर आप इसके इस जगह पे देखें तो पहिया सहके वो घूमता है, वो व्हील से घूमता है, करेक्टर आगे आता है, पीछे से हैमर से स्ट्राइक करती रहती है। मैं आपको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ, आप इसे देखिएगा ये स्ट्राइक कैसे करता है, ये देखिए आगे से डिस्क गोल घूमती रहती है जहाँ जैसे वर्ड चाहिए उसका। आई होप आप सबको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। तो ये जी डेजी व्हील प्रिंटर था, डेजी व्हील प्रिंटर खासा सुस्त प्रिंटर हुआ करता था और ये सिर्फ 30 करेक्टर्स पर सेकंड लिख सकता था, मतलब एक सेकंड के अंदर 30 लफ्ज़ इसकी मैक्सिमम स्पीड होती थी, इससे ज़्यादा ये नहीं लिख सकता था। लास्टली सबसे तेज़ वाला आया लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर सबसे तेज़ वाला आ गया हमारे पास लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर करेक्टर्स के बजाय अब लाइन्स की स्पीड में चलने लग गया, कि वो एक सेकंड में या एक मिनट में कितनी लाइन्स डाल सकता था। लाइन प्रिंटर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसकी स्पीड देख लें कि लाइन प्रिंटर जो था अराउंड 300 to 2400 लाइन्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो 300 से लेकर 2400 लाइन्स लिख सकता था क्योंकि इसकी स्पीड थी। इसका भी मैकेनिज्म देख लेंगे कैसे चलता था जी। लाइन प्रिंटर ये आपने ECG वाले प्रिंटर्स देखे हुए या ECG वाले प्रिंटर्स आपको ज़्यादा इजी रहेंगे। ये इस तरह के अंदर एक फीड होती थी, इसके नीचे ऐसे करके पेपर की फीड लगा देते थे और जैसे आपका डॉट मैट्रिक्स वाला था ये भी उसी तरह काम करता था, उसी के तरीके से ये ऐसे इसके अंदर एक रिबन चौका था, ऐसे आगे पीछे मूव करके एक मिनट में पूरी पूरी लाइन प्रिंट कर रहा था। ये जी इसकी भी मैंने तो स्पीड बता दी कि 300 से लेकर 2400 लाइन्स पर मिनट लिखता था। इनके करेक्ट इनके यूनिट्स याद रखिएगा कि इनकी स्पीड क्या थी, एग्जाम्स में ये आ सकता है या आ सकता है कि बताएं क्या ये इम्पैक्ट प्रिंटर है कि नहीं है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि लाइन प्रिंटर क्या इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है, आपको पता होना चाहिए इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये जी अब हम आ जाते हैं टाइपराइटर भी आपके किस्म का इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो सेम एज डेजी व्हील के मॉडिफिकेशन पे काम करता है। टाइपराइटर की स्पीड मैंने इसलिए नहीं जस्टिफाई की क्योंकि टाइपराइटर के जो लिखर होता है जो टाइपर होता है वो उसके हाथों पे डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रेंड है, वो चाहे तो एक मिनट एक सेकंड में 10 अल्फाबेट्स प्रेस कर ले तो एक सेकंड में चाहे एक भी ना कर सके, तो ये टाइपराइटर के जो टाइपिंग कर रहा है उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है और ये भी मिनट्स में काउंट करते हैं, सेकंड्स में नहीं होता टाइपराइटर की स्पीड में। लेज़र की बात करते हैं, इंकजेट की बात करते हैं, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट हैं आपकी, उनकी मैं वर्किंग जेट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। पहले लेज़र की ये वाली जेट्स देखें, यहाँ पर एक लेज़र यूनिट होता है और यहाँ पर आप समझ लें एक रिफ्लेक्टर होता है। लेज़र आपका जो पेपर जो पूरा पेज है उसका रिफ्लेक्शन देती है इस मिरर पे या रिफ्लेक्टर पे और चार्ज पार्टिकल्स आपके इस ड्रम पे गिर जाते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स इस ड्रम पे गिर जाते हैं और आपके पेपर के ऊपर भी उसे पता होता है कि कहाँ कहाँ प्रिंट होना है। यही चार्ज पार्टिकल्स के अंदर साथ साथ टोनर पड़ा होता है, साथ साथ टोनर उस पार्टिकल उस चार्ज ड्रम के ऊपर फॉल करता है और ये रोल कर जाता है पेपर के ऊपर। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो लाइट है यहाँ से जो लेज़र यूनिट है यहाँ से लेज़र रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टर से टोनर के ऊपर गिरता है, ठीक है, ये ड्रम के ऊपर गिरता है, रोलिंग ड्रम के ऊपर गिरता है। इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं कि पेपर कैसा बनाना है, पेपर हमने छापना कैसे, पेपर हमने ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ से इंक इसके ऊपर लगती जाती है और ऐसे रोल करता है इससे और इस पूरे पेपर के ऊपर ही अपना इंप्रेशन डाल देता है। अब आप इसकी ज़रा मूविंग जब देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, आप समझ लें कि इसके ऊपर लेज़र से ड्रॉ हो गया था या बल्कि ये देखें बल्कि नहीं ये देखें ज़्यादा कन्वीनियंट है ये चीज़, लेज़र से ड्रम के ऊपर वो चीज़ ड्रॉ कर देती है ऐसे करके और आगे ये जो ड्रॉ हुई हुई चीज़ है ये आपके पेपर के ऊपर इस तरह रोल कर जाता है, तो आपका पूरा पूरा एक इमेज फॉर्म हो जाती है, एक पेपर पूरा था। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे वो इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर्स प्रिंट करते थे, ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है इन द फॉर्म ऑफ इमेज प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इमेज प्रिंट करते हैं। लेज़र की स्पीड 12 to 45 पेपर्स पर मिनट है कि एक मिनट के अंदर 12 से 45 पेपर्स वो प्रिंट कर सकती है। ये ऑफिस ये जो हमारे घरों में होते हैं और अगर जो बड़े बड़े स्केल्स पे जो हैं आप कह लें कि जो इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स हैं वो अराउंड 150 पेपर्स पर मिनट या पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह इंकजेट के बारे में बात करते हैं। लेज़र में तो आपके लेज़र से काम हो रहा था, इंकजेट के अंदर आपके पास नोज़ल आ जाती है, ड्रॉपर आ जाता है। उसका क्या होता है कि आपके पास एक तरफ इंक सप्लाई पड़ी होती है, तो आप वहाँ से इंक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन होती हैं, ठीक है, और यहाँ से जो करेक्टर्स को उन्होंने फॉर्म करना होता है, जैसे इन वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एक आगे करेक्टर्स फॉर्म हो रहे होते हैं कि जी इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन का मतलब ये है। जैसे बाइनरी हमारी होती है लैंग्वेज 0101 होती है, इसी तरह इन लैंग्वेजेस को आगे समझने के लिए यहाँ पर आप समझने एक डिवाइस लगी होती है, पर इन साथ साथ ड्रॉपलेट्स आ रही होती है, आगे से वो चार्ज होती है और पेपर जहाँ जहाँ उसने गिरना है उस चार्ज के हिसाब से, उस वाइब्रेशन के हिसाब से उस पेपर पर सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि इसमें इंक वाला फंक्शन है और लेज़र वाले में विद द हेल्प ऑफ लेज़र। कि इसमें लेज़र की मदद से आप समझ लें कि लेज़र की मदद से टारगेट किया जाता है पेपर के ऊपर, और यहाँ पर आप इंक की मदद से आप उसे चार्ज कर लेते हैं अपनी इंक को और उसे स्पेसिफिक प्लेसेस पे ड्रॉप करते हैं। अच्छा, अभी तक प्रिंटिंग में किसी को कुछ मसला हो? जी बच्चों, प्रिंटिंग में अभी तक किसी को कोई मसला हो? दोबारा से मैं आपको बताता हूँ रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन एट वन टाइम। एक टाइम में एक चीज या एक सिनेरियो जब आप देख रहे हैं, उस सिनेरियो में या उस टाइम सेकंड में कितने पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। जितने ज्यादा पिक्सेल्स आएंगे नजर, जितने ज़्यादा पिक्सल नज़र आएंगे उतनी ज़्यादा ही रेजोल्यूशन अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, अब पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स आप कह लें कि ये बेसिक यूनिट है एक इमेज का, छोटे छोटे से डॉट्स हैं जो कि मिलके आपस में एक इमेज बनाते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा इमेज शार्प होगी, उतनी ज़्यादा इमेज अच्छी लगेगी, उतनी ज़्यादा पिक्चर आप कह सकते हैं क्लियर होगी, आंखों को ज़्यादा समझ आएगी। अब रिफ्रेश रेट के ऊपर आ जाते हैं। रिफ्रेश रेट आप समझ लें एक किस्म का सेकेंडरी यूनिट है आपके डिस्प्लेइंग आउटपुट्स का, आपकी स्क्रीन्स के, आपके मॉनिटर्स का, आपके मोबाइल्स का, आप समझ लें एक सेकेंडरी सा एक यूनिट है कि कितनी दफ़ा आपकी जो इमेज है वो रिफ्रेश हो रही है, कितनी दफ़ा आपका जो मॉनिटर के ऊपर जो चीज़ ड्रॉ हुई हुई है वो कितनी दफ़ा बार बार रीअपेयर हो रही है। आप लोगों को अपने पुराने टीवी वगैरह याद होंगे, जब आप लोग रिकॉर्ड करते थे तो रिकॉर्डिंग के अंदर लाइंस नज़र आ रही होती थी, और लेकिन अब आप जब LCDs वगैरह पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो लाइंस नहीं नज़र आती। क्या बात थी कि उन टीवीज़ का रिफ्रेश रेट स्लोअर था आज की LCDs वगैरह से। इसको सिंपली मैं इसी तरह पुट कर सकता हूँ कि कितनी दफ़ा वो इमेज वापस वहाँ से जब मूव करती है, जो एनिमेशन है वो कितनी जल्दी क्लियर होती है, कितनी जल्दी रीअपेयर हो सकती है, एक स्टेज वापस कितनी जल्दी सेट हो सकती है, ये रिफ्रेश रेट है। आप इसका खाली यूनिट याद कर लें, इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है। लास्ट चीज़ रह जाती है DPI। DPI स्क्रीन में भी यूज़ होता है और प्रिंटर्स में भी यूज़ होता है। एक किस्म का आप समझ लें कि एक डॉट का दूसरे डॉट से कितना का फासला, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह पुट कर ले कि एक इंच के अंदर कितने डॉट्स आ सकते हैं। आप इसको इस तरह कर लें कि एक इंच के अंदर, सॉरी ये DPI डॉट पर इंच है, मैं आपको डॉट पिच की बता था। DPI यही होता है कि एक इंच के अंदर कितने डॉट्स आ सकते हैं, और DPI ये है कि एक पिक्सल का
दूसरे पिक्सल से कितना डिस्टेंस है? जितना पिक्सल के दरमियान में डिफरेंस कम होगा उतनी उसकी आपकी पिक्चर ज्यादा शार्प होगी, मतलब जितने पिक्सल्स के दरमियान में अगर आप रश आ जाएगा तो जो क्रिस्पी सी पिक्चर नहीं हो जाती, जैसे हम कह रहे थे पिक्सल फट गए, बेसिकली पिक्सल नहीं फटते तो पिक्सल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा होती है, पिक्सल्स बहुत दूर दूर होते हैं दरमियान में, मतलब पिक्सल्स ही नहीं आ रहे होते, उसकी डॉट पिच कम हो जाती है। तो जितनी दरमियान में स्पेस कम होगी, लेसर द स्पेस शार्प जितनी स्पेस कम होगी उतनी इमेज ज़्यादा क्लियर होगी, उतनी ज़्यादा पिक्चर शार्प होगी। तो आज के लिए इतना ही था, इसमें से आपको कोई चीज़ ना समझ आई तो आप मुझे ज़रूर बताएं।